आर्यन, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मेरा साथ देने के लिए। सब मेरे खिलाफ थे, मना कर रहे थे कि मैं ये व्रत ना रखूं, लेकिन तुमने मेरा साथ दिया। आर्यन, शादी के इतने सालों के बाद सब एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। मैं भी तुम्हें कभी कभार ही थैंक्स कहती हूँ, लेकिन आज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए जो कुछ भी करते हो, छोटी से छोटी बात, उसमें भी मुझे तुम्हारा प्यार नजर आता है। और मेरी जिंदगी में तुम्हारा प्यार कितने मायने रखता है ये तो तुम जानते ही हो। अरे, तुमने ब्रेकफास्ट करना शुरू नहीं किया? बेटा, हमें देर हो रही है और तुम्हें भी ऑफिस के लिए देर हो रही है ना? क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ मन्ना, मैं ठीक हूँ। तो तुम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? क्या बात है, परेशान लग रही हो? कुछ नहीं मन्ना, बस एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम है ऑफिस में, उसी को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। एक तो तुम अपने ऑफिस के कामों को लेकर इतना ज्यादा सीरियस हो जाती हो ना कि पूछो मत। रिलैक्स रहो, टेंशन निकालो, फिर देखना तुम्हारा हर काम ठीक ठाक हो जाएगा। वैसे एक बात तो है बेटा, जिंदगी में इंसान को उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना ही चाहिए। अगर तुम्हारा ये काम नहीं भी होगा तो। नहीं मन्ना, ऐसे मत कहिए, मेरा ये काम। अरे बेटा, तुम तो सीरियस हो गई, मुझे नहीं पता था कि ये काम तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। अच्छा तो मैं एक काम करती हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी खुशी का हर काम सफल हो, सक्सेसफुल हो, और उसके काम में कोई अड़चन ना आए। ओके, थैंक्स मन्ना, मेरे लिए प्रार्थना जरूर करना। ऑफ कोर्स बेटा, ये भी कोई कहने की बात है। अब तुम अपना मूड ठीक करो और जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, मैं अभी आई। वृंदा, तुम खुशी की सफलता की कामना और प्रार्थना तो कर रही हो, पर क्या तुम ये जानती हो कि खुशी क्या करने जा रही है? न जाने ये कैसी हवा चली है कि सब कुछ बदलने सा लगा है। मेरे दिल के किसी कोने से न जाने क्यों बार बार ये आवाज आ रही है कि ये हवा हम में और खुशी में दिन ब दिन फासले बढ़ाती जाएगी। सातवें दिन के अंत होने पर मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम्हारी दुल्हन बनने का इंतजार। कैसी है ये चूड़ियां? ये सब लो, भूल गए ना, आज रात को पूजा है ना आर्यन। इस पूजा के लिए मैं टेकरी वाली मंदिर में जाती हूँ, वहां जाकर मुझे सुहागन पूजा करनी है। तो आज के दिन तो मुझे सजना है ही, वरना कल इतनी सारी शॉपिंग मैंने की ही क्यों? हाँ, आज सातवां दिन है। मुस्कान ने मुझे कहा था कि दुर्गा को सब कुछ सच सच बता देने के लिए, पर मैं तो सच्चाई बता ही नहीं पा रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। क्या मुझे दुर्गा को बता देना चाहिए कि मुस्कान फिर से मेरी जिंदगी में लौट आई है? मैं कितनी देर तक दुर्गा से सच छुपाता रहूंगा? मुझे बता देना चाहिए दुर्गा, मैं तुमसे। आर्यन, जरा जाने से पहले ये मंगलसूत्र तो पहना दो, कल ही बनकर आए, सोचा आज का दिन कितना शुभ है, क्यों ना इसे आज ही के दिन तुम्हारे हाथों से पहन लूं।
आर्यन, हमारी शादी को 14 साल हो गए, लेकिन आज भी मुझे हम दोनों का साथ कितना खूबसूरत लगता है। भगवान करे इस साथ को किसी की भी बुरी नजर ना लगे। आर्यन, तुम मुझसे कुछ कहने जा रहे थे? ऐसा क्या देख रहे हो? क्या कहना है तुम्हें? दुर्गा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम कुछ नहीं कह रहे हो, लेकिन मैं जान गई हूं। आज तुमने नाइट शिफ्ट की ड्यूटी ली है ना? मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ गई थी और जान गई कि तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे हो। दुर्गा, आज रात मैं घर नहीं आ पाऊंगा। क्यों? ठीक कह रही हूं ना? ज्यादा बदमाशी तो नहीं करती है ना? जी नहीं। लीजिए ना, चाय लीजिए। अरे लो, श्रद्धा के मम्मी पापा भी आ गए, आप लीजिए ना। मैं मार्केट से आ रही थी तो श्रद्धा की टीचर मिसेस पूरी मिल गई। वो अपने नेबर से ना मेरा उनके यहाँ आई थी, वो रिश्तेदार है इनके। मैंने कहा आइए जरा चाय वाय पी के जाइए। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा तो मुझे भी बहुत लग रहा है। वैसे भी मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि श्रद्धा के पेरेंट्स से आकर मिलूं। क्यों, कोई खास बात? श्रद्धा की कोई शिकायत? शिकायत शिकायत तो कोई नहीं, हाँ श्रद्धा की तारीफ जरूर करना चाहूंगी। इसकी कुछ समर क्लासेस ले रही हूँ तो पता चल रहा है कि वो कितनी अच्छी तरह से अपना काम कर लेती है। परसों मैंने उसे अपने फेवरेट पर्सन के बारे में लिखने के लिए कहा था। अच्छा, तो इसने किसके बारे में लिखा? कौन है इसका फेवरेट पर्सन? आप मिस्टर राज सिंह और कौन? इतनी अच्छी तरह से लिखा था कि मैं तो दूसरे टीचर्स को भी पढ़कर सुना रही थी। इतनी अच्छी लाइंस थी कि दिल को छू गई। लिखा था, आई लव माई पापा, ही इज द मोस्ट स्पेशल पर्सन। और श्रद्धा आगे क्या लिखा था? ही कैन डू एनीथिंग फॉर मी, ही लव मी द मोस्ट इन द वर्ल्ड। I love you. I love you too, Papa. तुम्हारे लिए मेरा दिल बेकरार है, मुझे सिर्फ तुमसे। हाँ तुमसे प्यार है। कभी नहीं तोड़ोगे।
मुझे अब पूरी रस्म और विधि समझा सकती हैं? मैं ये सब पहली बार कर रही हूँ। निर्जला व्रत तो पहले भी कई बार रखे, पर ये ऐसे दिए पहले कभी नहीं जलाए। मुझे इस विधि के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं। वैसे ये विधि है क्या? कोई मुश्किल विधि नहीं है, बस 108 दिए रखने हैं, फिर एक दिया जलाकर उसे बुझने नहीं देना और इस दिए के साथ इन 108 दियों को जलाना है। कहते हैं अगर ये विधि सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए तो देवी माँ आपकी प्रार्थना स्वीकार भी करती है और मुराद पूरी भी करती है। पर अगर ये दिए बुझ जाए तो? अगर एक भी दिया बुझ जाए तो इसका मतलब है कि शायद देवी माँ ने आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। हे देवी माँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। जैसे हर साल मैं ये विधि सफलतापूर्वक संपन्न करती हूँ, इस बार भी निर्विघ्न संपन्न हो जाए। पूरा साल मुझे इस दिन का इंतजार रहता है। मुझे इसी दिन का इंतजार था और आज ये दिन आ ही गया। पूरे एक जन्म का इंतजार किया है मैंने। तुम्हारे लिए मैं इस दुनिया में वापस लौट कर आई, सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। हमारे ये मिलन के पल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल हैं।